जय हिंद साथियों। देश में सेना भर्ती रैली और एग्जाम पर अभी भी कोरोना का खतरा बताकर रोक लगाई हुई है। इसके अलावा देश में सभी कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो चुनावी रैली हो, चुनावी सभा हो, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हो या कोई दूसरे ही एग्जाम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो या धार्मिक कार्यक्रम हो। और फिर इन कार्यक्रमों में चाहे हजारों या लाखों की ही भीड़ क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए कोरोना का कोई खतरा नहीं है। सिर्फ कोरोना सेना भर्ती रैली और एग्जाम के लिए ही देश में छिप कर बैठा है। अगर सेना भर्ती कराई और एग्जाम कराया तो कोरोना आक्रामक हो जाएगा। आज जिस तरह कोरोना का बहाना बनाकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसमें सेना का कोई रोल नहीं है। अरे ये सब तो उनकी वजह से हो रहा है जो कुछ दिन बाद फिर कटोरा लेकर वोट की भीख मांगने आ जाएंगे। अभी तक देखा जा रहा था कि पुलिस, एसआई, रीट, नीट, पटवारी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं अलग अलग राज्यों में कराई गईं, तब कोरोना का कहीं कोई खतरा नहीं दिखा। और अब तो 14 नवंबर को खुद सैन्य क्षेत्र की परीक्षा होने जा रही है। 2 दिन बाद 14 नवंबर को देश में एनडीए यानी नेशनल डिफेंस अकेडमी और नेवल अकेडमी यानी एनए परीक्षा 2 के लिए परीक्षा होने जा रही है। इसको लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। देश भर में होने वाली इस परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों की सूची भी जारी कर दी गई है। इस परीक्षा में भी लाखों युवा शामिल होंगे, क्या तब कोरोना का खतरा नहीं होगा? अरे दरअसल भाइयों, सच्चाई तो यह है कि कोरोना का तो कोई खतरा है ही नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। और सोचने वाली बात तो यह है कि युवाओं को इसके बारे में जानकारी तक भी नहीं दी जा रही है कि भर्तियों को लेकर आगे का प्लान क्या है। अरे भर्तियों को लेकर जो भी सरकार या सेना का प्लान है, कम से कम युवाओं को इस बारे में तो जानकारी दी ही जाए ताकि वो उसी के अनुसार अपने कार्यों में लगें। लेकिन नहीं, इस अंधी भैरी सरकारों को इससे कोई लेना देना नहीं है कि युवा कितने परेशान हैं, वो कितने डिप्रेशन में हैं, उससे उनका कितना नुकसान हो रहा है। और वैसे भी सेना भर्ती की तैयारी करने वाले कोई नेता मंत्री के बेटे थोड़ी हैं, वो तो मजदूर किसान के ही तो बेटे हैं। जो चाहे उनके साथ में वैसा करें, वो चुप बैठे रहेंगे। लेकिन यह सोच गलत है। आप यह भी मत भूलो कि कुछ समय बाद आपको फिर इन्हीं किसान मजदूरों को पैरों में पड़ना है वोट के लिए। इसलिए हम सरकारों से एक बार फिर कहना चाहेंगे कि इन युवाओं की मांगों पर ध्यान देते हुए जल्द से जल्द सेना भर्ती रैली और एग्जाम कराए जाएं। और सेना भर्ती रैली और एग्जाम समय पर नहीं होने से जो युवा ओवर एज हो गए हैं, उन युवाओं को उम्र में छूट देकर सेना भर्ती का मौका दिया जाए। तो चलिए साथी, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।